आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है हम जिसकी हेल्प से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर अननोन हो तो हम उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक तरह से ये टेक्निक या ये जो टूल है वो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में यूज आती है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स या टेक्निक में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर से इंटरेक्शन होता है और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेडिएशन से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाते हैं। इस प्रोसेस से एक स्पेक्ट्रम बनता है। उस स्पेक्ट्रम की स्टडी कर लें तो हमें फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेजेंस या एब्सेंस पता पड़ जाती है जो उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में काफ़ी यूजफुल होती है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं ये रेडिएशंस वेव नेचर भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है दैट इज ई इज इक्वल टू एच नहीं होती है जिसे हम प्लैंक इक्वेशन कहते हैं वेयर ई इज एनर्जी एच इज प्लैंक कांस्टेंट न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। इसी को हम और आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंस न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा वेयर एच इज अगेन प्लैंक कांस्टेंट सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट लैम्डा वेवलेंथ of electromagnetic radiation. Again, 1 upon lambda is equal to nu bar. तो हम इसको लिख सकते हैं h nu bar into c. तो इन पूरे जो equations है उससे हम ये कह सकते हैं कि जो energy है that energy is directly proportional to nu and nu bar. But energy is inversely related to lambda. यानी lambda किसी electromagnetic radiation के अगर lambda की value ज़्यादा है तो उस radiation की energy कम होगी और frequency और wave number ज़्यादा है तो energy भी ज़्यादा होगी। अब हम कुछ electromagnetic radiations को लें जैसे for example कुछ electromagnetic radiations को मैं लिख रहा हूँ उनका arrangement हम इस प्रकार से लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं कॉस्मिक रेज देन गामा रेज देन एक्स रेज उसके बाद मैं अल्ट्रावायलेट या यूवी देन विजिबल देन इंफ्रारेड या आईआर उसके बाद मैं माइक्रोवेव एंड इन लास्ट मैं लिखता हूं रेडियोवेव। ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनको इस ऑर्डर में अगर अपन ने लिखा है तो अगर अपन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो लैम्डा की वैल्यू है वो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या इनके लैम्डा का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्योंकि ये लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसलिए ये ऑर्डर जो है वो इनकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर के लिए इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो ये जो एक अरेंजमेंट हमने बना दिया ये ऑर्डर हमने बना दिया इस अरेंजमेंट या इस ऑर्डर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं।
अब हम यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक हम आज जिसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट को यूज में लेते हैं। ये जो अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट की रेंज है, यानी जिन लैम्डा से ये मिलकर बना है, जिन वेवलेंथ से मिलकर ये बना है, वो 10 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की रेंज का रेडिएशन है। इसको हम सब डिवाइडेड करें तो 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक हम इसको डिवाइड करें। तो जो 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक की जो रेंज है हम उसको फार यूवी रेंज कहते हैं, या हम इसी को वैक्यूम यूवी भी कहते हैं। 200 टू 400 नैनोमीटर एक नॉर्मल यूवी रेंज है और 400 से 800 नैनोमीटर जो है इसको हम विजिबल रेंज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यूवी विजिबल जो लाइट है, यूवी विजिबल जो रेडिएशन है वो 10 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर का लैम्डा से मिलकर बना होता है, जिसको हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब ये रेडिएशन किसी मैटर से आके किसी मैटर पे आके गिरता है तो वहाँ एनर्जी का एब्जॉर्शन होता है। तो ये जो मेथड्स हैं वो एब्जॉर्शन बेस्ड है, यानी यहाँ पर लाइट का अवशोषण या एब्जॉर्शन होता है। इस एब्जॉर्शन के लिए एक रूल, यहाँ पर रूल की हम स्टडी करेंगे जिसे बियर लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होने वाला एक इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ को समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने एक डायल्यूट सॉल्यूशन लिया। इस डायल्यूट सॉल्यूशन पे हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई है वो इस पे डाला। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इस डायल्यूट सॉल्यूशन में से पास हुई और इसके बाद इसमें से बाहर ट्रांसमिट हो गई। ट्रांसमिट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी सपोज आई टी है। ये जो पूरा पाथ है इसकी जो लेंथ है वो सपोज एल है, और जो हमने यह डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया उस डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम यहां सी से शो करेंगे। तो जनरली क्या होता है कि जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट हम एब्जॉर्बिंग मीडियम पे डालते हैं तो इस एब्जॉर्बिंग मीडियम में से लाइट का से एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी जो है ट्रांसमिट हो जाती है। तो यहां पर बियर लैम्बर्ट ने बताया कि जो एब्जॉर्बेंस है वो एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइट ने कितनी डिस्टेंस इसमें से कवर करी। तो वो जो डिस्टेंस है वो है एल, और यहां पर जो हमने एब्जॉर्बिंग मीडियम या जो डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा उसकी कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज सी। तो एब्जॉर्बेंस
is directly proportional to L and C. This is known as Beer-Lambert law. इसी को हम और आगे लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम एप्सिलम कहते हैं तो एप्सिलम इनटू एल इनटू सी ये जो एप्सिलम है वो एप्सिलम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है ही है साथ ही साथ एक पर्टिकुलर लैम्डा पर एब्सॉर्बेंस और लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन और कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के बीच एक दूसरे को ये रिलेट करता है यानी एप्सिलम यानी जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एब्सॉर्बेंस को कंसेंट्रेशन और लेंथ से रिलेट करता है ये जो एब्सॉर्बेंस है जिसको हमने ए से शो किया है This absorbance is log I upon IT, यानि intensity of the incident light और intensity of the transmitted light का जो log का जो ये पद है उसको हम absorbance कहते हैं तो this absorbance is equal to epsilon L into C ये जो epsilon है यहाँ पे इसे हम मोलर एब्सॉर्टिविटी और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहते हैं तो एप्सिलम जो है वो मोलर एब्सॉर्बिटी या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहलाता है So, the Beer-Lambert law is A is equal to epsilon L into C. यानी absorbance जो है, वो this is a constant, तो L और C पर depend करता है. और we can say epsilon is equal to A upon L into C. यानी अगर अपने पास absorbance पता है, length of the solution पता है, concentration पता है, then we can calculate the value of molar absorptivity. If L and C is unity, then उस केस में absorbance और molar absorptivity जो होगी वो same होगी. तो इस तरह से एक light के absorption के लिए ये जो law है जिसको हम Beer-Lambert law कहते हैं, जो एब्जॉर्बेंस और कंसेंट्रेशन और लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन के बीच रिलेशनशिप को शो करता है अगेन एक बात और भी ध्यान रखनी है ये जो मोलर एब्जॉर्टिविटी है ये मोलर एब्जॉर्टिविटी जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को शो करता है यानी कितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो इस मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू से पता चलता है जितनी ज्यादा वैल्यू एप्सिलॉन की होगी इसका मतलब उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है तो इस तरह से हम Beer-Lambert law को यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं नाउ ये जो Beer-Lambert law है इस Beer-Lambert law की लिमिटेशंस क्या होगी Beer-Lambert law की लिमिटेशंस हैं या हम कह सकते हैं Beer-Lambert law अप्लाई होगा नंबर वन व्हेन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए सेकेंड Beer-Lambert law जो है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही Beer-Lambert law अप्लाई होता है
एंड द थर्ड वन बियर लैम्बर्ट लॉ के लिए हमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की जरूरत पड़ती है एंड द फोर्थ वन इज बियर लैम्बर्ट लॉ उस केस में अप्लाई नहीं होगा जब जिस सॉल्यूट का हमने सॉल्यूशन बनाया है या जिसका हम स्पेक्ट्रम ले वो सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन में उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन या इसका कोगुलेशन नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक एसोसिएशन डिसोसिएशन कोगुलेशन हो जाता है तो उस केस में बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। एक हम या शॉर्ट में बियर लैम्बर्ट लॉ का हम कह सकते हैं एप्लीकेशन या इसकी एक यूजफुलनेस को हम यहां डिस्कस करना चाहेंगे। बियर लैम्बर्ट लॉ की एप्लीकेशन में सिंपल से हमारे पास एक हमने सॉल्यूशन बनाया, एक पर्टिकुलर कंपाउंड लिया, उसके डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बना लिए। मान लीजिए डिफरेंट कंसंट्रेशन हमने ले ली C1, C2, C3, C4, C5 और इन सब कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हमने स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा और इन सारे जो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बने उन सब की एब्जॉर्बेंस देख ली। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे जिसमें एक एक्सिस पर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू ले लेंगे और दूसरी एक्सिस पर कंसंट्रेशन की वैल्यू ले लेंगे। कंसंट्रेशन C1, C2, C3, C4 एंड C5 को यहां शो कर देंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एब्जॉर्प्शन की वैल्यूज आती है उन एब्जॉर्प्शन की वैल्यूज को हम इस एक्सिस पर ले लेंगे। अब जो पॉइंट्स हमें मिलते हैं उन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे देन अगर पियर लैम्बर्ट लॉ अप्लाई हो रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। अब यहीं पर अगर हमें एक अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन दे दिया जाए जिसकी डेफिनेटली जो कंसंट्रेशन होगी वो हमारे C1 और C5 के इन बिटवीन होगी, जो भी वो अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हमने स्पेक्ट्रोमीटर में लिया और उस स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हमने उसका एब्जॉर्बेंस ले लिया। सपोज वो एब्जॉर्बेंस का हम पॉइंट लगाए तो इस एक्सिस पर यहां लाता है। अब हम यहां से एक स्ट्रेट लाइन आगे ड्रॉ करें जो यहां इस ग्राफ को यहां पर कट करती है। यहां से हम इस लाइन को नीचे ले जाए तो वो मान लीजिए यहां पर उसने इस एक्सिस को कट किया। ये जो कंसंट्रेशन आई से हम इसको कह देते हैं सी डैश और ये जो एब्जॉर्बेंस आया उसको हमने कह दिया ए डैश। तो जो एब्जॉर्बेंस ए डैश आया वो किस कंसंट्रेशन के लिए आया, वो आया सी डैश के लिए जो हमारे लिए अननोन था। तो हम यहां पर इस एक्सिस से उस कंसंट्रेशन की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन दिया था उसकी जिसकी एब्जॉर्बेंस हमने यहां मेजर कर ली तो उसकी कंसंट्रेशन ग्राफ से हम ये बता सकते हैं। तो ये एक इसका हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये तभी होगा जब उस जो सॉल्यूशंस हमने प्रिपेयर किए हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जिन पे बियर लैम्बर्ट लॉ अप्लाई होता है। ये हम लैब में इसको एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। आगे वाले आने वाले वीडियोस में हम इस बियर लैम्बर्ट लॉ के आगे की जो पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।